हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म यानी कि रक्षाबंधन के बारे में। यस, उनकी पिछली फिल्म जो है सम्राट पृथ्वीराज वो अभी थिएटर्स में लगी हुई है और उनकी दूसरी फिल्म जो है अगली फिल्म वो लाइन में लग चुकी है। उसका एक छोटा सा टीजर या फिर ग्लिम्स कह लो वो निकाला है, जिसमें फिल्म के ग्लिम्सेस नहीं है लेकिन जो म्यूजिक है काफी जबरदस्त लग रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कन्फर्म कर दिया अपना रिलीज डेट, क्योंकि रिलीज डेट को लेके और उसके थिएटर्स में रिलीज होने को लेके बहुत सारा रूमर्स वगैरह आ रहा था कि ओटीटी पे जाएगी या फिर क्लैश अवॉइड करेंगे एंड ऑल। लेकिन इट इज कमिंग ऑन 11th of August, जो कि रक्षाबंधन का दिन है और क्लैश करने वाली है विथ लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, उसके साथ इसका क्लैश होने वाला है। वैसे तो उस समय बहुत सारी फिल्में आएंगी अलग अलग इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड है तो बड़ी बड़ी फिल्में भी आएंगी वहां पे। अब देखते हैं इसका कैसा आउटपुट निकलता है, क्योंकि अक्षय कुमार के फैंस थोड़ा सा टेंशन में है क्योंकि उनकी पिछली जो फिल्में हैं वो उस तरह का नहीं चल पा रही है। राइट फ्रॉम लक्ष्मी से ही उनका डाउनफॉल रहा है। और सूर्यवंशी एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो कि अच्छा कमाया भी और अच्छा खासा पब्लिक को एंजॉयमेंट भी दिया, लेकिन उसके बाद बच्चन पांडे और अभी सम्राट पृथ्वीराज को जिस तरह का डिबैकल मिला है। अब देखो सम्राट पृथ्वीराज के तो हम जो रिव्यू था उसमें भी हम आपको बताए थे कि वो फिल्म इस तरह की नहीं है। उसके बाद बहुत सारा कमेंट्स भी आया कि रिपोर्ट करने वाले हैं तुमको कुछ नहीं मतलब समझ में आता है, झूठ मूठ का हेटरेट फैला रही है। और देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मूवी का जब ट्रेलर आया था ट्रेलर तक भी हम किसी फिल्म के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही बंडल बकवास निकले। तो हम उस समय भी बोल रहे थे कि अक्षय कुमार को फिर भी एक चांस देना चाहिए इस फिल्म को। अब फिल्म देखने पे शायद जो अक्षय कुमार लग रहा था कि सूट नहीं कर रहे इस रोल में, शायद फिल्म में ज्यादा कनेक्ट कर पाए, लेकिन जब फिल्म हम देखे कनेक्ट नहीं कर पाया तो जो था वही बोले। और इतना ही मतलब बहुत जबरदस्त फिल्म होता तो फिर ऑडियंस भी जाती है और इस तरह का डिजास्टर नहीं होता, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ बॉलीवुड में उसका नाम आ रहा है। सो कुछ तो गड़बड़ था उस मूवी में, फ्लॉज थे उस मूवी में और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कोई उतना बड़ा बात नहीं है, हर एक्टर के फेज में आता है। अक्षय कुमार का विनिंग स्ट्रीक, सक्सेसफुल वाला स्ट्रीक लंबे समय से चला आ रहा था और हर एक्टर के जो फिल्मोग्राफी होता है उसमें हिट्स होते हैं, फ्लॉप्स होते हैं, सब कुछ होता है। सो ये अब थोड़ा सा बुरा टाइम है वो भी निकल जाएगा। और रक्षाबंधन आनंद एल राय बना रहे हैं तो उनके जो इस जॉनर की फिल्में हैं काफी ज्यादा होता है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, कॉमेडी भी अच्छी खासी रहेगी सुनने में आ रहा है। और ट्रेलर भी 21 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। सो बस 4 दिन के बाद आपको इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो है वो देखने को मिल जाएगा और उसके बाद तो राम सेतु है, जो कि आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट राम सेतु। ब्रह्मास्त्र के बाद अगर सेकेंड हाफ में आप अगर देखो तो राम सेतु हमको लग रहा है जो कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उस फिल्म के लिए, जो कि दिवाली पे आने वाली है। सो आई थिंक अक्षय कुमार विल बी बैक एंड बैक विद अ बैंग। और इसी से सूर्य पोट्रू का जो रीमेक हो रहा है जिसको कि स्टार्टअप टाइटल किया गया, उससे कल एक न्यूज निकल के आया था कि सूर्य उसमें भी एक स्पेशल अपीयरेंस या फिर एक कैमियो में दिखने वाले हैं आफ्टर द आइकॉनिक कैमियो ऑफ रोलेक्स इन विक्रम। उसके बाद वो उसमें भी एक कैमियो में देखने वाले हैं। सो एक्साइटमेंट है और अक्षय कुमार के फैंस को बस हम यही बोलना चाहते हैं कि जो हो गया उसको जाने दो और अब आगे का जो रक्षाबंधन आ रहा है और राम सेतु आ रहा है उसको सपोर्ट किया जाए एंड होपफुली वो फिल्में बहुत अच्छी निकले। और उसी तरह का अगर फिल्म अच्छी निकलेगी तो अक्षय कुमार का स्टार पावर तो इतना है कि वो अच्छा खासा कलेक्शन आपको डेफिनेटली दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं पाया बच्चन पांडे में और सम्राट पृथ्वीराज, क्योंकि वो फिल्में ही उस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई थी, लेकिन आगे आई होप कि वो बहुत ही जबरदस्त करें। और ट्रेलर का जो डेट है वो ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तो हम आपको बताई देंगे, लेकिन अंदर से तो ये निकल के आ रहा है कि 21 जून को आपको ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। और इसका रीजन भी है क्योंकि अक्षय कुमार का लकी नंबर 9 है और 21 जून यानी 2+1+6 तो ये 9 होता है, तो शायद इसीलिए उस डेट पे आएगा। सो जैसे ही कुछ पता चले, कन्फर्मेशन होगा, अनाउंसमेंट होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अक्षय कुमार के जो फिल्मोग्राफी है या फिर आगे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या थॉट्स है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ और बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।